बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है, वो षड्यंत्र से घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसके लिए फिर जो है ना कुछ बीच में दलाल होते हैं, वो पुलिस प्रशासन को जो है ना साध के रखते होते हैं। फिर अगर पुलिस प्रशासन के ऊपर ज़्यादा दबाव आ जाए तो आईबी तक लगा देते हैं। ये धोखेबाजों का सिस्टम है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ, जहाँ जहाँ को सिंधु घाटी सभ्यता से विकसित होकर जिसे भगवान बुद्ध ने आगे बढ़ाया, और यहाँ जो चोरी हुई है इसमें निश्चित रूप से किसी का षड्यंत्र है। औरंगपुर में बुद्ध कालीन कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, और यहाँ पर जैसे ही पता चला है कि यहाँ बुद्ध के अवशेष बुद्ध की मूर्तियाँ पता खनन से निकल रही हैं, तो देश के अलग अलग जगहों से बुद्ध धर्मावलंबी और शोधकर्ता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि भारत से बाहर के भी लोग आए हैं, और यहाँ पे जो भी बुद्ध भंते आए हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक उन्होंने क्या देखा, और मूर्तियों की जो चोरी की घटना है उसका लेकर के बुद्ध भंते क्या कहना चाहते हैं। सर मैं सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मराज है। कहाँ से सर आप? हम अलीगढ़ आगरा से आए, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, आपका कोई संस्था है, नाम बताएं? हाँ, भारतीय धर्म रक्षक भिक्खु महासंघ है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, यहाँ सर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं और मूर्तियाँ जो प्राप्त हुई है उसको आपने देखा अभी तक यहाँ पे? देखिए, हमारे को सिरपुर में जहाँ उत्खनन हुआ है तो वहाँ पर हमने इस बात का पता चल पाया था कि वहाँ पर तीन मूर्तियाँ ऐसी सुरक्षित हैं और उत्खनन चला हुआ है, तो हम रास्ते में ही रहे हैं जब तक ये जो पहले वाली बस्ती है यहाँ तक आए हैं, तो पत्रकारों ने ही कहा कि वो चोरी हुई उसी को देखने जा रहे हैं, तो ये हमें रास्ते में पता चल पाया है, और वहीं से हमें जो है ना बड़ा दुख महसूस हुआ। ये मैसेज अच्छा नहीं, बहुत बुरा मैसेज। अच्छा, जैसे चोरी की घटना है तो आप पूर्व में बता रहे थे कि कुछ चीज़ों को बदलने का भी प्रयास होता है, तो इसके लेकर के जो लोग चोरी कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कौन से लोग हो सकते हैं ऐसा कुछ? देखिए, संसार में बुद्ध धर्म जिन जिन लोगों ने जिन जिन देशों ने अपनाया वो उन्नत हैं, खुशहाल हैं, और जहाँ जहाँ बुद्ध को मिटाने की कोशिश है वहाँ न तो देश का खजाना सुरक्षित, न देश का नागरिक सुरक्षित। यहाँ पर नियोजित घटनाएं होती हैं, उनके पीछे जो है ना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है, वो षड्यंत्र से घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसके लिए फिर जो है ना कुछ बीच में दलाल होते हैं, वो पुलिस प्रशासन को जो है ना साध के रखते होते हैं। फिर अगर पुलिस प्रशासन के ऊपर ज़्यादा दबाव आ जाए तो आईबी तक लगा देते हैं। ये धोखेबाजों का सिस्टम है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ, जहाँ जहाँ ऐसी जो है ना विश्व धरोहर के ऊपर चोट लगती होती है उसमें एक षड्यंत्र है। ये एक सामान्य आदमी के बस की बात नहीं, किसी सामान्य आदमी ने हाथ डाल दिया हो। हाँ, अगर मान लिया वो पकड़ा जाएगा, दबाव ज़्यादा पड़ गया, तो यहाँ के लोग इतने चतुर भी हैं उसको जो है ना जो असली है उसको जो है ना छुपा देंगे, और कोई किराए का जो चोर बना के ये जो है ना उसको पकड़वा देंगे, इतने षड्यंत्रकारी है। बहुत बहुत आभार सर। आप कुछ ना कहना चाहेंगे? आप कुछ बताएंगे सर? यही बात है। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अम्बेडकर चेतना परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ 30 से ज़्यादा पुस्तकों के लेखक माननीय विजय त्रिशरण सर हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्रों में कई सारे किताब लिखे हैं और काफ़ी चर्चित हस्ती हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे भ्रमण किया, तो आपको देख करके क्या समझना है सर? यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ, और पहली बार आने के बाद मुझे अति आनंद की अनुभूति भी हुई और दुख भी हुआ। आनंद की अनुभूति इसलिए हुई कि ये स्थल हमें हमारे प्राचीन पूर्वजों की संस्कृति और सभ्यता से अधिक परिचय कराते हैं, जो संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता से विकसित होकर जिसे भगवान बुद्ध ने आगे बढ़ाया, और बाद में सम्राट कनिष्क सम्राट हर्षवर्धन, पाल राजाओं और गोपीचंद जयचंद जैसे राजाओं ने बुद्ध संस्कृति को समृद्ध किया, तो ये जो झारखंड में हम देख रहे हैं ये उन्हीं की संस्कृति का एक रूप देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये भी सूचना मिली कि यहाँ पर जो बुद्ध की जो सुंदर सुंदर मूर्तियाँ निकली थी, जो समता ममता और मैत्री का प्रतीक होता है बुद्ध की मूर्ति, इसकी चोरी हो गई है, तो ये एक बड़ा दुख की बात है।
तो हम इस घटना पर ये कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता है, ये समन संस्कृति है, ये भारत के मूल निवासी संस्कृति का द्योतक है। तो यहाँ के जो लोग हैं, सबसे पहले उनका ये कर्तव्य बनता है कि इस स्थान को प्राचीन पूर्वजों के धरोहर के रूप में इसको संरक्षित करें, और जब ये संरक्षित होगा तो समृद्ध होगा, और समृद्ध होगा तो ये एक दिन आगे आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक प्रमुख केंद्र बनेगा, जो यहाँ के लोगों के सभी प्रकार के विकास का एक मार्ग होगा। और प्रशासन की ओर से ये होनी चाहिए कि जब यहाँ इस तरह की घटनाएं घट रही है तो यहाँ पर कड़ी सुरक्षा लगानी चाहिए, और यहाँ पर एक स्मारक बनाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि खुले में ज़मीन के नीचे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उत्खनन में, उसको रखा गया है, उसको सही ढंग से रखा जाए, और जगह जगह CCTV कैमरे लगाए जाएँ ताकि कोई भी व्यक्ति जो है सो इस तरह के कार्य न, मतलब यहाँ जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? सुरक्षा और भी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि चोरी की घटनाएं घट रही है ना, लोग आ जा रहे हैं, बहुत इतने लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में श्रद्धा है, क्योंकि बुद्ध तो अंतर्राष्ट्रीय महामानव है, बुद्ध ही है जिसके चलते भारत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, और अगर पूरी दुनिया भारत को जानता है तो सिर्फ एक ही कारण, और वह है बुद्ध। और हमारे देश के जो भी शासनाध्यक्ष हैं, वो अगर विदेशों में जाते हैं और भारत की किसी एक चीज़ का नाम लेना होता है तो वो बुद्ध का ही नाम लेते हैं, दूसरा किसी का नाम नहीं लेते हैं। तो ये बुद्ध जो हैं वो पूरे विश्व के लोक गुरु हैं, अनुपम हैं, अंतर हैं, तो ये बुद्ध का स्थल है। यहाँ पर मैंने देखा कि दो श्राइन हैं, एक ऊपर में टीला है जहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ रखी है, उसमें छोटे छोटे भिक्षु कक्ष हमको दिखाई दिया, और ये जो दूसरा श्राइन है ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बैरिकेटिंग किया हुआ है तो मैं अंदर नहीं जा सका, तो वहाँ मैंने देखा कि एक मुख्य कक्ष है जो बुद्ध मूर्ति का रहा होगा, और चारों तरफ जो घूमने का, जिसको हम प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, वो मुझे दिखाई दे, जिसको आप लोग परिक्रमा बोलते हैं, तो ये दो श्राइन है। लेकिन इतिहास में ऐसा हमको देखने को मिला है कि इस क्षेत्र में जो पाल डायनेस्टी थे, जिसमें गोपाल नाम के राजा थे, पहला राजा, इसके बाद धम्मपाल हुए लगभग 8वीं शताब्दी में, तो उन्होंने सैकड़ों श्राइन बनवाया था, सैकड़ों बुद्ध स्थल बनवाया था, जिसमें यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर पर मुझे लगता है इटखोरी भी होगा, इटखोरी भी बुद्धिस्ट साइट है, और यहाँ ये बहोरनपुर निकल गया। तो जो इतिहास में जो बातें हैं उसमें सैकड़ों बुद्धिस्ट श्राइन इस जगह बनाया गया था धम्मपाल के द्वारा। धम्मपाल एक बुद्धिस्ट राजा थे, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बुद्ध पंडित थे जो तिब्बत में धम्म प्रचार करने भी गए थे। तो 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने किताब लिखा है, उसमें ये सारा वर्णन किया है कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक पाल राजाओं का शासन था, और बिहार में उदंतपुरी यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन्हीं लोगों का बनवाया हुआ। बिहार का प्राचीन नाम उदंतपुरी है। विक्रमशिला में 107 बुद्धिस्ट श्राइन थे और 6 कॉलेज थे, जिसका अध्यक्ष हरिभद्र थे, तो धम्मपाल हरिभद्र के समकालीन थे। तो ये जो राजा थे इस क्षेत्र को बसाए थे, बनाए थे, समृद्ध किए थे। 12वीं शताब्दी के बाद जो है सेन वंश का अभ्युदय होता है, जो बुद्धिस्ट श्राइन को, बुद्धिस्ट संस्कृति को बढ़ाने में अनिच्छा जाहिर की, और फिर आक्रमणकारियों के चलते ये नष्ट भ्रष्ट हो। लेकिन जब ये खुदाई में निकला है तो ये भारत के लिए गर्व की बात है, झारखंड के लिए गर्व की बात है। तो हम सभी लोगों को मिल करके इसको विकसित करना चाहिए। यहाँ पर धम्म देशना होना चाहिए, त्रिशरण पंचशील होना चाहिए, त्रिरत्न वंदना होना चाहिए, और स्थानीय लोगों में जागरूकता विकसित करना चाहिए, ये मेरा काम है। और यहाँ पे कई सारे राजनीतिक दल के और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक संगठन से भी हैं, धार्मिक संगठन से भी, तो उन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। कौन सा संगठन से हैं? सामाजिक संस्था है। ये जो घटना घटी है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ के ग्रामीणों को धन्यवाद देना चाहते हैं, खास करके मुखिया जी को देना चाहते हैं, इसलिए जो जैसे ही यहाँ पर
मूर्ति का पता चला, उसके बाद जो पुरातत्व विभाग को दिया, इस आधार से कार्यक्रम होने लगा। और यहाँ जो चोरी हुई है इसमें निश्चित रूप से किसी का षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को देखना ही होगा। सरकार से भी अपील करेंगे, साथ में हम यहाँ के जो उपायुक्त और आपके एसपी साहब हैं उनसे अनुरोध करें, त्वरित कार्रवाई करें, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर निकल रहा है, मैं पहले भी 2 साल पहले भी यहाँ पर आया था, यहाँ दो दो तालाब निकला है, तालाब के नीचे कुआं निकला है, उस पर कोई उसी समय कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ करीब 4-5 किलोमीटर की रेडियस में पूरा जमा हुआ है, जैसा लोग बता रहे हैं कि चोरी करके जो सामान लेके गया है, मूर्ति लेके गया है, वो जो सुरंग की रास्ता है उसके बारे में यहाँ के गाँवों को मालूम है, क्योंकि ऊपर में भी मंदिर और ये अभी भी आजकल पूजा होता है, लोगों लोग करते हैं, ये गांव के लोग करते आ रहे हैं। यहाँ पर जो अम्बेडकर विचार मंच जो यहाँ बना है, पुरातत्व विचार मंच जो बना है, मैं उसका भी उसमें हमारे भी आदमी आकर उसमें संगठन किए, यहाँ पर लोगों को ये आश्वस्त किए कि इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, लोगों को बताया। उसके बाद लोगों का ग्रामीण लोग यहाँ जागरूक हुए और बहुत सहयोग देने लगे। चलो धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे और भी कई सारे लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करें। क्या नाम है सर आपका? जिला प्रवक्ता हजारीबाग। अच्छा, ये जो घटना घटित हुई है, जैसे खनन हुआ है, खनन के बाद बुद्ध के अवशेष और मूर्तियाँ मिली हैं, बहुत सारी चीजें मिली हैं, उसके बाद दो मूर्तियों की चोरी भी हो गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत दुखद बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है नहीं करना पाया, इसके एवज में जो है कि यहाँ मूर्तियाँ चोरी हो जा रही है। इस पर हम चाहेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था करें, जिससे हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर मिला है उसका सुरक्षा प्रदान करें। और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका बहुत गंभीरता से आ रही है, तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि चोरी हो चुकी है।